ये सिल्क वर्म है। वाह, मुझे पकड़ते पकड़ते डर भी लग रहा है। कैकड़ा, मेरा स्नेल और आलू का सब। स्नेल का अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ, जो कि मतलब बहुत ही नेचुरल पत्ते में ऐसे पैक करके मतलब बेच रहे थे तो लेके आया, तो एक तरफ से अनबॉक्सिंग ही हुआ। मैं अभी यहाँ पे खोलूँगी उसको, उसके बाद हम लोग इसका रेसिपी वीडियो बनाएंगे, आप लोग देखते जाइए। ये भी जिसे बांधा है ना, ये भी रस्सी नहीं है, ये भी पत्ता है ना, छोटा छोटा वाला ऐसा घास वाला पत्ता है ना, इसके साथ बांधा है। देखो ये वाला स्नेल वाला मोटा मोटा राउंड वाला होता है ना, इसको उबाल के इसके अंदर जो ये होता है मीट होता है उसको निकाल के ऐसा बेचते हैं। इसको हम लोग हमारे लोकल लैंग्वेज में सामोलाडाई बोलते हैं। ये देखो अभी हम इसको धोएंगे और मसालेदार आलू के साथ बनाऊंगी। वाह, मुझे पकड़ते पकड़ते डर भी लग रहा है। केकड़ा, इतना सारा केकड़ा बड़ा बड़ा लाया और आप लोगों को दिखाने के लिए मुश्किल से एक पकड़ के लेके आया। डर डर के पकड़ रही हूँ मैं, तो इतना बड़ा है। ये जो काटेगा ना छोड़ेगा नहीं, स्किन फट जाएगा लेकिन फिर भी नहीं छोड़ेगा, ऐसा वाला पकड़ते हैं केकड़ा। इसको कल खाएंगे हम लोग, इसमें रखेंगे अपने दोस्त लोगों के साथ। रहो केकड़ा, जब भी रखो ना ऐसे सूखे रखो, पानी में मत रखना, खराब होता है। अभी मैं इसको अच्छे से धोऊंगी, जो कि मैंने आलू प्याज को भी एक साथ लेके आ गया। और हाँ, ये जो पत्ते में मैंने रखा ना, ये वाला पत्ता हल्दी का पत्ता है। हल्दी का पौधा तो मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया था, तो मैंने अपने बगीचे से लाया नया तोड़ के और यहाँ पे रख दिया मैंने। मैं अच्छे से मतलब धो रही हूँ, थोड़ा सा मिट्टी भी रहता है ना ये स्नेल के अंदर। ये तो बॉईल किया हुआ ही है, फिर भी धोना तो बनता है ना। दो तीन बार धो के मैं इसको लेके जाऊंगी। और ये आप लोगों को पता है कि नहीं, ये सिल्क वर्म है। हम लोग ट्राइबल्स लोग बहुत ही खाते हैं इसको भी। इसको भी हम कल खाएंगे, आज नहीं, क्योंकि चिकन बन रहा है ऑलरेडी। ये रहा चिकन कुमरा ना, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, बोटल गॉट नहीं बोलेंगे इसको, लौकी को बोटल गॉट बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ये कुमरा है। लेकिन जो भी हो, चिकन लोकल चिकन के साथ मैंने यहाँ पे सब चीज़ रेडी करके रख दिया। ये है गार्लिक अदरक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अनियन और ये चिल्ली, आप लोगों को तो दिखाई दे रहे होंगे। तो ये पटेटो, ये स्नेल, तो ये तेल गरम कर लिया, उसके बाद मैं इसको बनाऊँगी। मैंने तेल में नमक स्वाद अनुसार डाल दिया, क्योंकि आलू के अंदर नमक जाएगा तभी आलू में भी स्वाद आएगा। आलू को अच्छे से हिलाएंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक हम पकाएंगे, ताकि आलू का जो कवर है वो क्रिस्पी हो जाए। तो देखो आलू मेरा हो गया है। हम उसी तेल में अभी प्याज डालेंगे, जो कुछ भी मसाला मैंने रखा था वो स्टेप बाई स्टेप करके हम लोग डालते जाएंगे, तो आप लोग देखते रहिए। अभी मैंने डाला जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जो कि मैंने पहले बना के रख दिया था, और मैंने हल्दी भी डाल दिया। मसाला वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाला है, आप लोग देख ही रहे हैं। बस मैंने लास्ट में थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड किया है, क्योंकि ये स्नेल में खुद का ही मीठापन होता है। और मुझे अभी रियलाइज़ हुआ, मैंने ज़्यादा ही मिर्ची डाल दिया है क्या, मतलब स्नेल से ज़्यादा तो मुझे मिर्चियाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नहीं, बाद में टेस्ट मतलब सब कुछ अपने जगह पे परफेक्ट था। अच्छे से भूनने के बाद मैंने आलू और गर्म पानी डाल दिया, और उसको सुखाने के बाद मैंने धनिया वगैरह डाल के गार्निशिंग कर लिया। मेरा स्नेल और आलू का सब्जी बन के तैयार हो गया है, मज़ेदार। और ये जो हल्दी का पत्ता है ना, मैंने जो धोया था, ये स्नेल कच्चा वाला, ये वाला नहीं है, ये वाला मैंने नया तोड़ के लाया, और इसका स्मेल मुझे बहुत ही पसंद है। हल्दी का पत्ते का जो स्मेल होता है, तो यम्मी यम्मी। आप लोग भी ऐसे बना के खा सकते हो।